हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ पाई नेटवर्क से रिलेटेड आज के एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट में। दोस्तों, आज पाई नेटवर्क का एक इतना गजब का अपडेट आया है जिसे देखने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस अपडेट के बारे में आपको बता चुके होंगे। आप पाई क्वाइन को, पाई नेटवर्क को अपने जब ओपन कर रहे होंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा। यहाँ पर देखेंगे तो दिया गया है KYC ओपन टू, यहाँ पर देखेंगे मेजोरिटी ऑफ नेटवर्क, उसके बाद सबमिट KYC इफ़ एलिजिबल। दोस्तों, इसके बारे में बहुत से लोग बता चुके होंगे, लेकिन आपको हम इसके बारे में एकदम डीपली आपको एकदम रियल बात बताने वाले हैं कि इसमें आखिर कहा बोला क्या गया है पाई नेटवर्क की तरफ से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पाई नेटवर्क से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलते रहते हैं। दोस्तों, कुछ दिन से हम रेगुलरिटी नहीं हो पा रही है वीडियोज़ की, कुछ प्रॉब्लम है। दोस्तों, यहां पर हम आपको पाई नेटवर्क का इस अपडेट के एकदम रियल बात बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको देखेंगे, तो यहां पर देखेंगे ग्रेट न्यूज़ टू पाई, KYC सॉल्यूशन इज नाउ एबल टू। तो दोस्तों, यहां पर देखेंगे मोर देन हाफ टू ऑफ ऑल पायनियर्स, एंड यहां पर देखेंगे कंटिन्यूस टू स्केल अप। दोस्तों, देख सकते हैं ये पाई नेटवर्क की तरफ से बहुत ही बेहतरीन अपडेट आया है। अगर हम रीड मोर की तरफ ले चलें तो यहाँ पर हम आपको दिखा दें, तो सबसे पहले आप देखेंगे KYC अपडेट के बारे में है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ देख सकते हैं मोर डिटेल्स का ऑप्शन है। दोस्तों, इसमें आपको ये बताया गया है कि पाई नेटवर्क का जो अपडेट आया है KYC का, वो इसके बारे में बताया गया है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ मोर डिटेल, इसमें आपकी KYC क्यों नहीं आ रही है, क्यों अपडेट नहीं आ रहे हैं, तो आपको सब कुछ जानकारी इसमें दी गई है। तो बने रहिए आज की इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, हम आपको इसकी हिंदी मीनिंग आपको डायरेक्ट दिखाएंगे, आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाएंगे तो उसमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता, आपको एकदम हिंदी मीनिंग हम आपको इसका दिखाने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों, हम अपने गूगल ट्रांसलेटर पर अपना ट्रांसलेट कर चुके हैं इसको। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर देखें तो हम अपने यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। दोस्तों, आप सबसे पहला नेटवर्क आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे KYC अपडेट। उसके बाद दोस्तों, हम बात करें तो देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं सीधा सीधा, नेटवर्क KYC प्रक्रिया अच्छी प्रगति कर रही है, जिससे आधे से अधिक पायनियर्स KYC आवेदन जमा कर सकते हैं। उसके बाद, हालांकि नेटवर्क को इन KYC अनुप्रयोगों को जमा करने, यहाँ पर देखेंगे संसाधित करने और पूरा करने में अभी समय लगेगा। दोस्तों, उसके बाद यह अधिक से अधिक पायनियर्स को KYC के माध्यम से जाने और प्रस्तुत किए गए यहाँ पर देखेंगे अनुसाधित, उसके बाद आवेदनों को संसाधित करने में सक्षम बनाता है। हम नीचे अधिक विस्तृत अपडेट दे रहे हैं। दोस्तों, उसके बारे में हम बात करें तो पाई KYC का जो अपडेट है उसके बारे में एकदम मतलब कि डीपली बताया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो पाई KYC, उसके बाद पहचान पत्र सत्यापन एक आवश्यकता है। दोस्तों, मतलब पाई KYC एक बहुत ही ज़रूरी सामग्री है पाई नेटवर्क की तरफ से। उसके बाद दोस्तों, इसमें बात करें, इससे पहले कि कोई पायनियर अपने पाई बैलेंस को मैननेट में माइग्रेट कर सके, याद रखें कि वर्तमान ले संलग्न मैननेट अवधि का एक मुख्य लक्ष्य लाखों पायनियर्स को KYC पास करने की अनुमति देना है, जबकि उपयोगिता आधारित पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए विभिन्न ऐप बनाए जा रहे हैं। एक रोमांचक है कि हम इस लक्ष्य के करीब और करीब आ रहे हैं। दोस्तों, देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि लगातार पाई नेटवर्क की KYC करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अपडेट्स किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि यह एक मतलब रोमांचक न्यूज़ है कि पाई नेटवर्क अब लगातार KYC करवाने के बाद बहुत ही नज़दीक आ चुका है सभी लोगों की KYC करवाने के लिए। दोस्तों, उसके बाद हम अधिक जानकारी की तरफ ले चलें तो यहाँ पर आप देखेंगे KYC फनल में निरंतर सुधार और सत्यापनकर्ताओं के महान कार्य के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे बहुत धन्यवाद पाई नेटवर्क की तरफ से दिया गया है कि पाई नेटवर्क KYC की तरफ से बहुत सी उसकी टीम ने बहुत ही मेहनत करके KYC करने के लिए बहुत ही सुधार किया, बहुत ही मेहनत किया। उसके बाद KYC प्रगति अब तक पाइनियर KYC यहाँ पर देखेंगे ऑनवर्डिंग के स्थिर रैम का अब के साथ पर्याप्त रही है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विशेष रूप से 7 अप्रैल, यहाँ पर देखेंगे अप्रैल की शुरुआत में 7 की तुलना में, दोस्तों देख सकते हैं 7 अप्रैल की शुरुआत में 199 देशों में पाई KYC को सत्यापनकर्ताओं के साथ बूथ स्ट्रैप किया गया है। दोस्तों, देख सकते हैं 199 देशों में पाई KYC को लेकर यहाँ पर देखेंगे 70 मतलब कि यहाँ पर देखेंगे अप्रैल की शुरुआत में 70 की तुलना में, दोस्तों देखेंगे तो 70 कंट्रीज़ में लगभग
इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद 199 देशों में 70 जगहों पर यहाँ पर इसके बारे में बताया गया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखें तो सबसे यहाँ पर देखेंगे अद्यतित डेटा को पता चलता है कि यहाँ पर देखेंगे दुनिया भर में KYC अनुप्रयोगों को मान्य करने वाले लगभग 125,000 दैनिक सक्रिय मानव सत्यापनकर्ता यहाँ पर देख सकते हैं है। ये KYC सत्यापन अब प्रतिदिन 90,000 से अधिक लोगों की दर से पायनियर्स की पहचान सत्यापित करने में सक्षम है। दोस्तों अब पर डे लगभग 90,000 लोगों की KYC हो रही हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करें, हालांकि यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन भिन्न हो सकता है दोस्तों, कभी कुछ ज़्यादा लोगों की हो सकती है, कभी कुछ कम लोगों की हो सकती है, लेकिन प्रतिदिन यहाँ पर देखेंगे एवरेज 90,000 लोगों की KYC एक दिन में हो रही है। तो दोस्तों अगर आपकी KYC का अपडेट अभी तक नहीं आया है तो जल्द ही आपको KYC का अपडेट आ सकता है। आपको अपना डॉक्यूमेंट हमेशा के लिए रेडी रखना है दोस्तों, जब तक KYC नहीं हो जाती। उसके बाद हम बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है कि संख्या बढ़ती यहाँ पर देखें रहनी चाहिए, क्योंकि KYC की मांग बढ़ती है और अधिक KYC पायनियर वैलिडेटर वर्कफोर्स में शामिल होते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, हमने कुछ दिन पहले आपको वर्कफोर्स पूल के एक बताया था कि वहाँ उसके साथ पाई नेटवर्क ने यहाँ पर टैचअप कर लिया है। दोस्तों उसके टैचअप होते ही पाई नेटवर्क बहुत ही तेज़ी से अपना प्रोग्रेस कर रहा है और बहुत ही जल्दी जल्दी अपने अपडेट्स को ला रहा है। अगर हम उसके बाद बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक विशिष्ट प्रमाणिक पायनियर के लिए यहाँ पर देखेंगे बिना किनारे के मामलों जैसे कि नाम पर अपील, लापता डेटा या यहाँ पर देखेंगे अस्पष्ट तस्वीरें जो मशीन एल्गोरिदम को मानव सत्यापनकर्ताओं के लिए स्वचालित होने से रोकती है। दोस्तों आप सब लोग कभी कभी क्या करते हैं KYC अपडेट करते समय, तो दोस्तों जो आप KYC करते समय ब्लर डेटा अपना डाल देते हैं या फिर ब्लर फोटो डाल देते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों देख सकते हैं, बताया गया कि यहाँ पर मशीन और एल्गोरिदम जो मशीन का पाई नेटवर्क का एल्गोरिदम है वो वेरीफाई करने में समय लेता है, इसीलिए आपकी KYC के बाद आपका जो वेरीफाई होने में समय लगता है और आपको 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। दोस्तों उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे अधिकांश क्षेत्रों में उनके KYC संसाधित करने का समय आमतौर पर एक दिन में कम होता है। दोस्तों देख सकते हैं, उसके बाद कुछ यहाँ पर देखेंगे पर एक दिन से कम होता है। दोस्तों अगर पाई नेटवर्क पर आप अपनी KYC का जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, अगर वो एकदम स्पष्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको एक दिन में ही आपकी KYC कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों बात करें तो कुछ अनुप्रयोगों के लिए इसमें 15 मिनट तक का समय लग सकता है। दोस्तों देख सकते हैं, कुछ लोगों को तो 15 मिनट में ही कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम बात करें तो पाई KYC समाधान यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर मापनीयता विशेष रूप से किसी देश या क्षेत्र में मानव सत्यापन कार्यबल के बूथ स्ट्रैपिंग के बाद इसके डिजाइन द्वारा अपेक्षित प्रदर्शन करता है। एक दिन एक गति और एक यहाँ पर देखेंगे विश्वव्यापी कवरेज के साथ जिसे दुनिया में पहले कभी नहीं देखा है। KYC प्रसंस्करण शक्ति की यह शानदार गति और व्यापक कवरेज और KYC मांगों को पूरा करने के लिए तेजी से स्केलिंग वैश्विक यहां पर देखेंगे पाई समुदाय को कि यहां पर देखेंगे विवेकी यहां पर देखेंगे विकेंद्रीकरण यहां भीड़ शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों उसके बाद हम बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं पाई नेटवर्क, अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड में सबसे ज़्यादा पाई नेटवर्क ही KYC के लिए, मतलब कि ये एक मोबाइल पर माइनिंग के लिए पॉपुलर है। और दोस्तों हम बात करें तो KYC की जो पाई नेटवर्क की KYC जो हो रही है वर्ल्ड वाइड में, दोस्तों इसके लिए सभी लोग उत्सुक हैं और इस पर लगातार वर्क कर रहे हैं, KYC करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं लोग। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, देख सकते हैं जबकि नेटवर्क ने अच्छी प्रगति की है, पाई नेटवर्क ने पाई KYC करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रगति की है। उसके बाद हम समझते हैं कि कई पायनियर अपनी बारी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जिन लोगों की KYC नहीं हुई है उनके बारे में बताया गया है, तो यहां पर देख सकते हैं कि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं या उनके आवेदनों में संसाधित होने का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों देखेंगे नीचे चल रहे उपाय हैं जो अधिक पायनियर को जल्द ही KYC पास करने में मदद करेंगे। दोस्तों अगर आपकी KYC का नोटिफिकेशन नहीं आया है
तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। यहाँ पर हम बात करें तो दोस्तों देखेंगे पैमाने पर अधिक से अधिक पायनियर के अनुप्रयोग और सत्यापन को संभालने के लिए तकनीकी, यहाँ पर देखेंगे फलन सुधार। दोस्तों देखेंगे सबसे पहले आपको अपनी मतलब कि जहाँ पर आप KYC करें वहाँ पर डेटा आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, तेज़ चल रहा हो डेटा, मोबाइल डेटा हमेशा तेज़ चल रहा हो। उसके साथ साथ दोस्तों देखेंगे अधिक देशों और क्षेत्रों को बढ़ाना और बूथ स्टेप करना जारी रखने के लिए मानव सत्यापन सख्त। उसके बाद हम बात करें तो देखेंगे अधिक KYC आवेदनों को पारित करने के लिए चल रहे यहाँ पर फलन के झूठे नकारात्मक होने की संभावना को कम करना और कुछ सबमिट किए गए आवेदनों को फिर से संसाधित करना जो पारित होने वाले हैं लेकिन पहले नकारात्मक रूप से चिन्हित किए गए थे। दोस्तों इसमें कुछ लोग अपना गलत डॉक्यूमेंट डाल चुके थे या फिर कुछ मतलब कि ब्लर फोटोज वगैरह डाल चुके थे, उन लोगों की KYC रिजेक्ट कर दी गई थी लेकिन उनकी फिर से KYC करने के लिए अब जो लोग बता रहे थे भाई हमारा KYC में हमने ये गलत डाल दिया है तो भाई आपकी KYC अब जल्दी होने वाली है, आपको फिर से नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो इसमें वही बताया गया है। उसके बाद हम बात करें तो KYC अनुप्रयोगों के लिए समाधान, यहाँ पर देखेंगे जो पिछले अनुप्रयोगों के महत्वपूर्ण डेटा को याद कर सकते हैं जिसमें कुछ यहाँ पर देखेंगे YOTI KYC आवेदक और कुछ पायलट पाई KYC आवेदक शामिल हैं। उसके बाद हम बात करें पिछले YOTI KYC आवेदकों के, यहाँ पर पाई कोर टीम ने लापता डेटा का भरने के लिए उनके लिए एक विशेष यहाँ पर देखेंगे फास्ट ट्रैक पाई KYC फ्लो तैनात किया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो लोग कुछ गलत डाल चुके थे अपने मतलब KYC करने के लिए उनको आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उनको ज़्यादा टाइम लगने वाला है। आपका जो डॉक्यूमेंट ब्लर हुआ था, जो जिस डॉक्यूमेंट में जिस भी मतलब कि वेरिफिकेशन में जिस भी डॉक्यूमेंट्स में आपका प्रॉब्लम हुआ था KYC होने में पाई नेटवर्क की, उसी डॉक्यूमेंट को आपको फिलअप करना है जो तुरंत हो जाएगा। दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। उसके बाद हम बात करें कुछ YOTI KYC आवेदकों के लिए या प्रवाह के साथ यहाँ पर देखेंगे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इन कोने के मामलों में संबोधित करने के लिए एक अतिरिक्त सुविधा तैयार की जा रही है। दोस्तों उन सब लोगों के लिए एक नया अपडेट आने वाला है पाई नेटवर्क ऐप पर पाई KYC पर। तो दोस्तों आपको कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इंतज़ार करना है। पाई नेटवर्क लगातार आप सब लोगों के लिए भी काम कर रहा है। उसके बाद हम काम बताएं तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे पिछले KYC पायलट आवेदकों के लिए कोर टीम वर्तमान में KYC आवश्यकताओं के साथ पायलट अनुप्रयोगों से मेल खाने के लिए एक पुनः प्रसंस्करण तंत्र का निर्माण कर रही है और नीचे वर्णित एक पुनः प्रस्तुत करने की सुविधा अनिवार्य रूप से उन अवसरों से मेल खाती हैं जो वर्तमान KYC आवेदकों को अपना आवेदन जमा, उसके बाद हम बात करें जमा करने करते समय मिलते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई फ़ोटो या वीडियो अपलोड विफल हो जाता है तो वर्तमान आवेदकों को फिर से सबमिट करने के लिए कई मौके मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको साफ साफ बताया गया है अगर आपकी कोई भी विफल हो जाता है या फिर एरर बता देता है तो आपको फिर से सबमिट करने का यहाँ पर देख सकते हैं मौके मिलेंगे। उसके बाद जो कि KYC ऐप के पायलट संस्करण में संभव नहीं था, दोस्तों अभी तक ये पाई नेटवर्क की KYC में संभव नहीं था कि आपका कोई भी एरर हो गया हो आप उसे रीअपलोड कर सकें, लेकिन ये भी होने वाला है। उसके साथ साथ एक नया पुनः जमा करने के सुविधा यहाँ पर देखेंगे विकसित की जा रही है और जल्द ही जारी की जाएगी ताकि पिछले YOTI KYC और KYC पायलट आवेदकों को आवेदक एक नया आवेदन फिर से जमा कर सके और यदि वे चुनते हैं और ऊपर उल्लिखित यहाँ पर देखेंगे कस्टम समाधान की प्रतीक्षा नहीं करना चाहते वे यहाँ पर देखेंगे अनस्टक हो जाते हैं। वर्तमान में सुधार और यहाँ पर देखेंगे बढ़ाया गया कि पाई KYC समाधान संभावित रूप से कम समय के भीतर नए अनुप्रयोगों को संसाधित कर सकता है। दोस्तों आप सब लोगों की KYC करते समय जो भी प्रॉब्लम आ रही थी आप सब लोग अगर चाहें तो आपको अभी भी KYC का नोटिफिकेशन आ गया होगा बीच में, अगर आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन या फिर अगर आप चाहें कि आपकी KYC तुरंत हो जाए ज़्यादा टाइम न लगे तो उसके लिए आपको कुछ दिन इंतज़ार करना है। पाई नेटवर्क उस पर भी अपडेट लाने वाला है तो आपको इंतज़ार कर लेना है दोस्तों, क्योंकि इस पर आप फिलअप करते हैं तो आपको ज़्यादा समय लग जाता है और इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो दोस्तों आपको जब अपडेट मिल जाएगा तुरंत वाला KYC करने का तो वहाँ पर आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम थी उसी को अपलोड करना है, उसके अलावा कुछ नहीं अपलोड करना है। तो ये आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी बात थी।
कि आप सब लोग इंतजार कर लें, क्योंकि आगे चल के आपको पाई केवाईसी का तो दोस्तों यहां पर देखेंगे पायनियर को जटिल नाम अपीलों को का समर्थन करने के लिए प्रक्रिया जो उनके केवाईसी को संसाधित करने में जटिलताएं पैदा करती हैं और इसे हल करने के लिए अतिरिक्त मानव सत्यापनकर्ता सहायता की आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों यहां पर देखेंगे कृपया ध्यान दें कि कुछ देशों या क्षेत्रों के लिए पायनियर्स के लिए पाई नेटवर्क तक पहुँचने में अनूठे तरीके के कारण उनके खाते को यहाँ पर देखेंगे संसाधित करने के लिए पाई केवाईसी मशीन यहाँ पर देखेंगे ऑटोमेशन घटक के लिए लंबी और अधिक जटिल प्रक्रियाएं होती हैं। इस प्रकार उनके केवाईसी स्लॉट की प्राप्ति में देरी होती है। इसीलिए यह संभव है कि इन देशों या क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में धीमी केवाईसी यहाँ पर देखेंगे अनबोल्डिंग हो। उसके बाद कुछ मिलाकर पायनियर के लिए जो भी अभी भी केवाईसी जमा करने के अपने मौके की प्रतीक्षा कर रहे हैं केवाईसी कृपया धैर्य रखें, क्योंकि नेटवर्क केवाईसी समाधान का विस्तार करना जारी रखना रखता है और इस आपके लिए लागू होने वाले कॉर्नर मामलों को हल करता है। दोस्तों देख सकते हैं आप सब लोगों के पास, जिन लोगों के पास पाई केवाईसी की अपडेट नहीं आई है वो लोग, उन लोगों को यहां पर देख सकते हैं पाई नेटवर्क ने साफ साफ बोला है कि आपको इंतजार करना है, आपको आगे चल के पाई केवाईसी का अपडेट मिलने वाला है। उसके बाद बात करें हमेशा की तरह हमारे साथ इस क्रांतिकारी केवाईसी समाधान के लिए। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे निर्माण में अनेक आपके निरंतर समर्थन और धैर्य के लिए धन्यवाद। दुनिया भर में पाई समुदाय की कोर टीम यहाँ पर देखेंगे मॉडरेटर और सत्यापनकर्ता किसी भी मुद्दे को हल करने के और केवाईसी अनुप्रयोगों को जितनी जल्दी हो सके संसाधित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद पाई टू डे यहाँ पर देख सकते हैं 28 जून 2022 में आप पास अपने पहले मैनेट माइग्रेशन के लक्ष्य के लिए नेटवर्क सही समय पर लगातार प्रगति कर रहा है। दोस्तों यहां पर देखेंगे तो दोस्तों ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन अपडेट है कि 2000 सभी लोग जानना चाहते थे कि 28 जून को क्या होने वाला है, 28 जून को क्या होने वाला है। तो दोस्तों यहां पर साफ साफ देख सकते हैं माइनेट माइग्रेशन होने वाला है। तो दोस्तों बने इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हम आपको इस अपडेट की एकदम बारीकी से हर एक जानकारी दे चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पाई नेटवर्क से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें जिससे पाई नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। तो मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी को लेकर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।